सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हे गाइस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बारिश आ चुकी है, हमारे शहर में बारिश स्टार्ट हो चुकी है गुजरात में, और गाँव में अभी नहीं स्टार्ट हुई है, जस्ट लाइक यूपी में भी नहीं स्टार्ट हुआ है, और बट कुछ शहरों में स्टार्ट हो चुका है, जैसे दिल्ली में भी स्टार्ट चुका है। तो यार, बारिश का मौसम तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है कि बारिश में कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है आपके बालों को, क्योंकि बारिश में नमी के कारण हमारे बाल जो हैं गिरने लगते हैं, सूख नहीं पाते हैं, इस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो इस बारिश में आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ने वाले हैं। देन गाइस, आज मैं आपके लिए बिल्कुल देसी नुस्खा लेकर आई हूँ, और इस बारिश में आपके बाल नहीं गिरेंगे। और हाँ, अगर आपके बाल कम है सर में तो भी इस आपकी शिकायत दूर होने वाली है, बिकॉज प्याज तो हम सभी जानते हैं कि प्याज खाने के काम में आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि प्याज हमारे बालों के लिए कितना बड़ा वरदान है। तो चलिए बताते हैं आपको प्याज के बारे में। और हाँ, इसे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ ही वीक अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो आपके बाल जहाँ पे कम होंगे उसे जड़ से उबारने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस लेकर आऊँगी फाइनली। बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि प्याज हमारे बालों के लिए क्यों वरदान है और हमें इसे कैसे अपने बालों में अप्लाई करना है। इसी तरह प्याज को उसको नॉर्मली भी अपने बालों में लगा सकते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसके बाल कम हो, स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसके बाल कम आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है, तो ये उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है कि वो प्याज को अपने बच्चों के बालों में अप्लाई करें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि प्याज में हमें क्या मिला के बालों में लगाना है जो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज लिया हुआ है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक प्याज को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मैंने एक ही प्याज को लिया हुआ है, और ये मैंने फिगारो ऑयल लिया हुआ है, आप इसकी जगह पर कोई भी आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। जैतून का तेल मैंने लिया हुआ है। और तो सबसे पहले हम इस प्याज को कट करेंगे और इसको ग्राइंडर करके इसका रस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कट करके ग्राइंडर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने ग्राइंडर कर लिया हुआ है और मैंने ये निकाल लिया, और मैं इसके रस को अच्छे से छान लूँगी। ये मैंने छन्नी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने ये प्याज का रस निकाल लिया है, और अब इसमें हम फिगारो ऑयल डालेंगे। फिगारो ऑयल इसलिए क्योंकि आपके बाल को ये स्मूथ बनाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा। तो आपने देखा कि मैंने 1 स्पून फिगारो ऑयल ले लिया है, और अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी। इसमें आप नींबू के 2 बूंद रस भी डाल लीजिए। ये मैंने नींबू का रस लिया हुआ है 1 स्पून, तो मैं इसमें मिला लूँगी। तो आपने देखा कि मेरा ये पेस्ट तैयार हो चुका है, अब आपको इसको बालों में लगाना है अच्छे से। तो गाइस, आपने देख लिया कि हमें क्या क्या प्याज में इंक्लूड करना है, उसके साथ साथ आप उसमें नींबू मिला सकते हैं या फिर दही भी मिला सकते हैं, जो आपके बालों को बिल्कुल मॉइस्चराइज करेगा, नेचुरल लुक देगा। देन ये पर्सनली सिर्फ बालों के लिए, बाल को झड़ने के लिए मैंने बताया, बट आप उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो उनके लिए आपके लिए बेस्ट है। नहीं गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो बाय फ्रेंड्स।